मेष राशि, आप अपने परिवार के हित और अपने व्यावसायिक हित के बीच अपने आप को फंसा हुआ पाएंगे। अपने परिवार के कल्याण को चुनें और थोड़ी देर के लिए अन्य बातों को ठंडे बस्ते में डाल दें। आपका वित्तीय भाग्य आज मजबूत रहेगा। आप आज बोली भी लगा सकते हैं और उसमें जीतने की संभावना काफी प्रबल दिख रही है। इस समय किए गए सभी निवेश आपको भविष्य में अच्छी तरह से लाभान्वित करेंगे। वृषभ राशि, कुछ बड़ी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में आपका इंतजार कर रही हैं। आपको कुछ समय से अपने कार्य के प्रति प्रशंसा नहीं मिल रही थी, ये पूरी तरह से आज गायब हो जाएगा और आपको उच्च वेतन और अधिक भत्तों के साथ एक दूसरी जगह नौकरी मिल सकती है जो आपकी सोच से परे थी। हालांकि इस नौकरी के लिए आपका स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए इस निर्णय पर विवेकतापूर्ण विचार करें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी अवश्य शामिल करें। मिथुन राशि, आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास ना आने दें। आप आगे बढ़ें और आपकी शक्ति और सकारात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से लड़ सकती है। आज पैसे उधार ना दें क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से आज बचें। कर्क राशि, आज के दिन उधार दिए हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हों और वो आपकी काफी हद तक भविष्य में आय बढ़ाने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि ये व्यक्ति आपको अच्छी आय वाली नौकरी दिलाने में भी मददगार साबित होगा, जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परिवर्तित हो सकती है। सिंह राशि, एक मालिक के रूप में अपने अधीनस्थों के लिए आप में एक दिल है। उन्हें ज्यादा उत्साह के साथ प्रदर्शन करने के लिए आपकी प्रशंसा की जरूरत है। उनसे बात करें और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आप किसी पार्टी का भी आज आयोजन कर सकते हैं। वे इसके लिए आपका आदर करेंगे। आप एक बड़ी परियोजना के लिए उन्हें प्रेरित भी करते रहें। उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वो आपके साथ सामान्य हो पाए। आप अपने विशाल नेतृत्व के गुणों का आज प्रयोग करें। कन्या राशि, आपकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक हो तो आप सतर्क या यहाँ तक कि विद्रोही हो जाएं। जो लोग अपने आप को ज्यादा जानकर या जानकारियों से पूर्ण मानते हैं, वे आज के दिन ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे पार पाना मुश्किल साबित होगा। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ला सकता है। आपके व्यय अब नियंत्रण में है, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। तुला राशि, आज आप अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पदोन्नति, वेतन वृद्धि, एक नई जिम्मेदारी, एक नया इच्छित स्थान, एक अलग कंपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन हो सकता है। आप कम समय में अपने आप को तैयार रखें। ये टेलीफोन पर या संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है। अपनी सक्रिय रुख के बारे में अपने नए नियोक्ता या सहकर्मी को अवगत कराइए। नई भूमिका की मांग के अनुरूप मानसिक रूप से आज तैयार रहें। वृश्चिक राशि, आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए ये दिन अच्छा है जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की आवश्यकता हो। हालांकि जो लोग बीमार हैं, वो लोग घर से काम शुरू कर सकते हैं। इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और उस समय की बचत भी होगी जो यात्रा में बर्बाद हो रही थी। धनु राशि, अगर आपने व्यवसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ये काम करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा। हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले। आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और इस अपने लाभ के लिए आप अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकर राशि, आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आप किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। कुंभ राशि, आज आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे।
आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। मीन राशि, आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया हुआ धन मिल सकता है, जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को दूर कर पाएंगे। ये आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म हो जाए या कम हो जाए, लेकिन आपके दायित्वों का निर्वहन पूरा ना हो पाए। आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वह कुछ काम आ सके।